हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज का ब्लॉग श्री शक्ति माता के मंदिर से शुरू कर रहा हूं। तो चल के आपको दिखाता हूं श्री शक्ति माता में क्या काम हो रहा। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि को मेला लगेगा और श्री शक्ति माता का मंदिर, जो कि हमारे पप्पू भाई हैं, पोताई कर रहे हैं पेंट। तो पूरा पेंटिंग हर साल पप्पू भाई करते हैं नवरात्रि को। और 29 को मेला लगेगा, बहुत बड़ा मेला लगेगा। तो फ्रेंड्स, हर नवरात्रि को मेला लगता है श्री शक्ति माता के मंदिर में। और ये पप्पू भाई हैं जो कि हर वर्ष मंदिर में जो है पेंट का काम यही करते हैं, पेंटिंग करते हैं अपने पास से। और अभी खेत खड़े हुए हैं गेहूं, और ये गेहूं कट जाएंगे साइड में, तो यहीं पे मेला लगेगा बहुत बड़ा। तो चल के दिखाता हूँ आपको मंदिर के अंदर क्या क्या काम हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये श्री शक्ति माता का मंदिर है, मेन स्थान मूर्तियां हैं जो कि पेंट कर रहे हैं पप्पू। तो ये निकाल के रखे हैं अभी। और ये नीम का पेड़ है, दो ढाई हजार वर्ष पुराना है। और ये शिवाला है। तो ये पप्पू भाई हैं, यही हर नवरात्रि को पेंटिंग करते हैं माता जी के दरबार में। और ये साथ में हैं अंशु हैं और काफ़ी लोग हैं। तो फ्रेंड्स, श्री शक्ति माता के दर्शन करने ज़रूर आना। इसी 29 मार्च को मेला लगेगा, कल मेला है श्री शक्ति माता का अष्टमी के दिन। तो ये नलका है श्री शक्ति माता का, तो इसको भी खोल के बच्चे सही कर रहे हैं। हाथ हटा बेटा, देखो काफ़ी दिन से चला नहीं, अंदर मिट्टी जम गया पूरा। नवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है और यहाँ सब पूरा चारों तरफ दुकानें लगती हैं, इसीलिए खेतों को काटा जा रहा है अगल बगल के। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।